ചുറാമേരി മജ്ജിപ്പമ്മടക്കണ വരുമണി സിഖാപദം സമാധിയാമി ചുറാമേരി മജ്ജിപ്പമ്മടക്കണ വരുമണി സിഖാപദം സമാധി. താങ്ക് യു സർ. तो जय भीम नाव बद्दाय सभी साथियों को और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. कल 26 जनवरी आपने 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, तो चूंकि कल हम अपना गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसी उपलक्ष्य में मैं कुछ अपने शब्द कहना चाहूंगी, अपना कुछ वक्तव्य देना चाहूंगी जो बाबा साहब ने संविधान सभा में रखे थे. तो मुझे लगता है कि हम लोगों को जानना चाहिए और उस पर चिंतन मनन करना चाहिए. 25 नवंबर 1949 में बाबा साहब ने संविधान सभा में रखा था, बोला था कि एक मायने में 26 जनवरी 1950 के बाद जब देश का लोकतंत्र संविधान लागू हो जाएगा तो एक मायने में हमारा देश एक गणराज्य बनने जाएगा और लोकतंत्र इसका खुद का लागू हो जाएगा. मतलब लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों की चुनी हुई सरकार इस पर काम करेगी. लेकिन इस बात को लेकर के बाबा साहब काफी चिंतित थे. उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की कि क्या होगा अगर ये लोकतंत्र बन जाता है, तो क्या वह सामाजिक लोकतंत्र बना रहेगा या हम फिर से इस लोकतंत्र को खो देंगे. ये बाबा साहब की चिंता थी. और उसके बाद दूसरी उनकी चिंता और इसलिए गहरी हो जाती है कि अगर समय के साथ ऐसा नहीं हुआ, जब लोगों ने अगर देश को ऊपर नहीं रखा, पंथ के ऊपर देश को नहीं रखा या फिर पंथ को देश के ऊपर रखा, तो दिक्कत ये हो जाएगी कि लोगों की जो राजनीतिक और विरोधी और विभिन्न पंथ और ये राजनीतिक दल फिर से इस हमारी स्वतंत्रता को संकट में ला सकते हैं, फिर से हमारी स्वतंत्रता खतरे में आ सकती है. तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए था, तो बाबा साहब इस पर बड़े चिंतित थे. उन्होंने भी बोला था कि हमें अपने खून की आखिरी बूंद तक हमें इसके लिए दृढ़ संकल्पित होकर के प्रयासरत रहना चाहिए. तो ये बाबा साहब की चिंता थी जिस पर हमें सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए था. क्या उनका सोचना, उनका चिंतित होना जायज था या नहीं था. उसके बाद बाबा साहब के कुछ शब्द थे कि गुलाम क्या होता है. तो गुलाम के लिए उन्होंने बताया था कि गुलाम वह होता है कि जो व्यक्ति भले ही वह किसी जंजीरों में ना हो, लेकिन अगर वह मानसिक गुलाम है तो वो गुलाम कहलाएगा. भले ही वह जेल में ना हो, लेकिन वह कैदी की तरह गुलाम कहलाएगा. अगर वह अपने डिसीजन, अपने फैसले स्वतंत्र लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है तो वह गुलाम कहलाएगा. तो अब गुलामी, स्वतंत्रता का मतलब क्या है? अगर आप अपने अधिकारों को, जिम्मेदारियों को, कर्तव्यों को समझते हैं तो आप स्वतंत्र हैं. अगर आप दिमागी रूप से आप अपने का प्रमाण दे रहे हैं कि आप दिमागी रूप से स्वतंत्र हैं, तो आपकी स्वतंत्रता कुछ मायने रखती है. स्वतंत्र वह है जो परिस्थितियों का दास नहीं है, बल्कि वह परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रयासरत रहता है, परिस्थितियों को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित रहता है. स्वतंत्र वह व्यक्ति है जो रीति रिवाज, अंधविश्वास, पाखंडवादों से मुक्त रहता है, वह स्वतंत्र होता है. तो स्वतंत्र वह व्यक्ति है जो तर्क और बुद्धि के द्वारा अपने कोशिश करता है, वो अपना अस्तित्व बनाने के लिए प्रयास करता है. तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप सोचिएगा जरूर, क्या हम वाकई में अपना सामाजिक लोकतंत्र हासिल कर चुके हैं? क्योंकि अब आपके पास ये बहाना नहीं होगा कि आप अपनी गलतियों के लिए आप अंग्रेजों को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं. तो इसमें सोचिएगा जरूर कि इसका जिम्मेदार कौन है. क्या अभी अभी हमें और सामाजिक स्वतंत्रता हासिल करने की जरूरत है? क्या हम अभी भी राजनीतिक या सामाजिक बराबरी हासिल कर चुके हैं क्या? इस बात पर आपको जरूर सोचना चाहिए. क्या जो हमें बाबा साहब ने दिलाया था उसको हम बरकरार रख सके हैं कि नहीं रख सके हैं? तो यही शब्द मैं आपको कहना चाहूंगी. थैंक यू. जय भीम सभी. आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए,
तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Sangam.